हेलो गाइस, फिर से आया हूँ आपके आगे और बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। कैसे पढ़ाई करते हैं, कितना आसान टॉपिक है। कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे याद रखा जाता है, कैसे याद रखा हुआ दूसरों के आगे बात करना होता है। ये छोटी सी चीज है, हर फ्रेशर इसमें स्ट्रगल कर रहा है आज की डेट में। अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी गाँव से आते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट प्लेस से आता है, कोई मेट्रो से आता है। हर किसी को अलग एनवायरमेंट मिला है, हर किसी की इकोनॉमिक बैंडविड्थ अलग अलग है। अपने अपने हिसाब से कोई कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ है, कोई झेड़पी में पढ़ा हुआ है, कोई मराठी मीडियम में पढ़ा है, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व करें, आज के वीडियो में जरा डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सर मुझे सब आता है पर मैं बोल ही नहीं पाता हूं। सर मेरे से पूरे लॉजिक बनते हैं पर इंटरव्यू में जब पूछते हैं तो मैं बता ही नहीं पाता हूं, मेरा मन के मन में ही रह जाता है। क्या क्वेश्चन है, वाओ, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मैं छोटी सी चीज बोलता हूं। अगर आप कुछ भी ले लीजिए, एक कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन। अगर आपके पास एक कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन, पाइथन में भी होता है, जावा में भी होता है, हर जगह होता है। आप करते क्या हो ना, सीधा एनकैप्सुलेशन पे कूद जाते हो क्योंकि आपकी इंग्लिश कमजोर है। आपको लगता है ये वर्ड पाइथन का है, आपको लगता है ये वर्ड जावा का है, आपको लगता है ये वर्ड रिएक्ट का है ना, आपको लगता है ये वर्ड .NET का है ना। आप गलत कर रहे हो गाइस, ये वर्ड किसी का नहीं है। ये वर्ड ना इसका है, ना इसका है, ना इसका है, ना इसका है। ये वर्ड इंग्लिश का है, दिस इज ऑफ इंग्लिश, और उसका मीनिंग भी इंग्लिश में ही है। एनकैप्सुलेट कर दिया मैंने, इस पेन के अंदर कुछ वायर्स वगैरह होंगे, वो एनकैप्सुलेट हो गए। मेरे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड है, नर्व्स है, मसल्स है, बोन्स है, एनकैप्सुलेट हो गई मेरी बॉडी। पहले ये सोचना है, फिर सोचना है कि जावा में क्या है, .NET में क्या है। क्या होता है .NET में, वेरिएबल होते हैं, मेथड होता है, क्लास होता है। क्या होता है पाइथन में, वही सब तो होता है, जावा में भी वही होता है। अब एनकैप्सुलेशन जावा के हिसाब से देखिए, जावा में भी वही डेफिनेशन है, बाइंडिंग ऑफ डेटा वेरिएबल्स और मेंबर्स इनटू अ सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। पहली स्टेप क्या की हमने, इसका इंग्लिश में अर्थ देखा, इंग्लिश में अर्थ देखने के बाद उसको जावा के साथ मैप किया, और फिर जैसे कि वैसे आपने इंटरव्यूअर के आगे बोल दिया, तब जाके आपके मीनिंग आएंगे। अब होता क्या, आप एनकैप्सुलेशन एक जावा का बर्डन लेके बैठ जाते हो, अब जावा के जैसे याद करते हो, नहीं हो सकता, क्योंकि जावा एक अलग दुनिया है, आपकी रियल लाइफ की दुनिया नहीं है। पाइथन आप आज पढ़ रहे हो, पाइथन अलग है, आपकी रियल लाइफ की स्टोरी याद रखें। सादी बात अगर मैं बात करूं, अरे वेरिएबल एक वर्ड है, मेथड एक वर्ड है, अरे इंग्लिश में मीनिंग्स ढूंढो ना इनके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, जो चेंज होते रहता है। व्हाट इज द मेथड, इट्स अ ऑपरेशन, एक्ट ऑन समथिंग। ऐसा मेथड लगा, मतलब ऐसा खड़ा हो, फिर ऐसे झुक, फिर ऐसे कर, फिर वैसे कर, ये क्या मेथड हुई। वेरिएबल कैसा है, जो चेंज होते रहता है। इसका मतलब कोई भी वेरिएबल अगर किसी भी लैंग्वेज में लिखते हो तो उसको क्या करते आना चाहिए, चेंज करते आना चाहिए। मेथड मतलब कुछ तो ऑपरेशन होगा, रिलेट कीजिए, फिर याद होगा। दूसरी चीज, लड़के बोलते हैं मुझे याद नहीं होता। अरे आप पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करना अच्छी बात होती है, आप पढ़ते हो, इसके अंदर बहुत कुछ लिखा होता है। पढ़ते हो, फिर से बोलो, पढ़ते हो, यू रीड इट, पढ़ते हो, बार बार बोल रहा हूं, पढ़ते हो, पर पढ़ के कभी इस बुक को एक बार बंद कीजिए पढ़ने के बाद, और फिर बोल के देखिए। ये स्टेप मिसिंग है, ये स्टेप क्या है, मिसिंग है। कितने लड़के हैं इसमें से जो इस वीडियो को देख रहे, आप बुक पढ़ते हो या कुछ तो करते हो और फिर उस बुक को बंद करके एक बार तो बोल के देखिए। पंगा ये है, अपने आंखों से वो दिखते रहता है और हम देखते रहते हैं और हम पढ़ते रहते हैं, हमको लगता है हम ब्रेन से पढ़ रहे हैं, हम ब्रेन से नहीं पढ़ रहे, हम आंखों से पढ़ रहे हैं। इसलिए आज के बाद कोई भी चीज पढ़ोगे, बंद करना है बुक, एक बार बोल के देखना है। दूसरा तरीका बताता हूं, बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं। अरे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सप्रेस खुद को करो और रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करो मोबाइल पे, और रिकॉर्डिंग करने के बाद खुद को सुनिए, लिसन, खुद को ही पता चल जाएगा मैं फ्लुएंट हूं नहीं हूं, अच्छा बोलता हूं नहीं बोलता हूं। या अपना कोई फ्रेंड होगा, या अपना कोई
फ्रेंड होगा उसको दीजिए जिसकी इंग्लिश अच्छी है, बोलना यार मेरे को फीडबैक दे, वो तुम्हें फीडबैक देगा, और फीडबैक देने के बाद उसको इंप्रूव करना है, फिर से इंप्रूव करने का, फिर से रिकॉर्डिंग, फिर से लिसनिंग, फिर से रिव्यू, और नेक्स्ट स्टेप लिखी नहीं, इंप्रूवमेंट, फिर से इंप्रूवमेंट कीजिए, ये चौथी स्टेप, मतलब फिर से वही 5, 6, 7, 8 चलते रहेगा। रिकॉर्डिंग करना है, लिसन करना है, खुद फीडबैक लेना चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि जो मैंने टिप्स दी इससे आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी, बहुत सिंपल है, इसको आपको करके देखना है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं। दूसरे यूट्यूब के चैनल्स भी है, उस पर भी जाइए, मेरे मंथ तक के लिए अलग किया हुआ है, प्लेसमेंट के लिए भी अलग किया हुआ है, आप उनको विजिट कर सकते हो। आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए हैं। बहुत सारी चीजें गाइज हो रही है, बहुत सारा मटेरियल आपको देता हूँ। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको लगता है कि मैं वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरा चैनल अगर आपको बहुत कुछ दे रहा है, आप प्लीज उसको शेयर कीजिए, खुद के पास रखिए, खुद डाउनलोड करके रखिए और लाभ लीजिए। थैंक यू।